और ग्वालियर में भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे जर्जर सड़क बदहाल सीवर व्यवस्था ने शहरवासियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर मौके पर पहुंचे। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। मंत्री तोमर ने क्षेत्र में खराब सीवर सिस्टम के लिए नगर निगम में कांग्रेस की नगर सरकार को दोषी ठहराया है। नगर निगम और प्रशासन के अधिकारी ने मशीन के जरिए जलभराव वाले इलाके से पानी को मशीन के जरिए बाहर निकलवाया, तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। हमारे आने के बाद कोई आता है, शासन भी आता है, प्रशासन भी आता है, आए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज कम से कम एक डेढ़ महीना व्यतीत हो चुका है, लोगों के घरों में घुटनों घुटनों सीवर का पानी भरा है, उनकी रसोइयों में सीवर का पानी भरा है, और ये भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। कौन सी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हो भाई? आपको तो कायदे से क्षमा यात्रा निकालना चाहिए, भाजपा विकास यात्रा निकाल रही है। आप देखिए अंदर कौन सा विकास, लोगों के घरों में जब सीवर का पानी भरा है, उनके बेड सीवर के पानी में डूबे पड़े हैं। और यहीं पर मंत्री जी पद्मन सिंह जी ने रात्रि चौपाल लगाई थी, वो भी एक माह व्यतीत हो गया, नाटक नौटंकी हुई, उसके बाद भी अगर नरकी जीवन जीने को व्यतीत है। देखिए निश्चित रूप से जो भी आए समस्या है, समस्या का समाधान चाहिए, वो हम करेंगे। हमारे ये सेवक प्रद्युमन सिंह तोमर निरंतर संपर्क में है, और जब मुझे मालूम पड़ा, इससे पहले एक महीने पहले भी आया था, समस्या का निराकरण का दिया था, कुछ काम हुए भी हैं, जो नहीं हुए जिनके कारण ये नीचा इलाका पानी भरा है, उसके समाधान के निर्देश दिए हैं, काम चालू हुआ है, ये मैं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस अच्छा रहा, कांग्रेस भी जग गई, सवेरे जब मैं आया तो उसके बाद कांग्रेस भी आ गई, कांग्रेस को पता लगा, अच्छी बात है, स्वागत योग्य, सबको आना चाहिए, मिलकर शहर के विकास में काम करने चाहिए।